दुख दवाग्ने राधिका रमण रम्य सुमूर्ते दुखमोचन दयानवनाथ श्रीपते समय दुखमवधेश। साई ग्रुप मीडिया हाउस नवसारी संचालित धर्म दर्शन में जेम 21 दिवस सुधी आप सर्वने अधिक पुरुषोत्तम मास महात्म्यनी कथाओ संभळावी अने आपे पण खूब आनंद थी बधी कथाओ सांभळी एमां भगवाननी पूजा केवी रीते करवी ते 21मा अध्यायमां आप सर्वे श्रवण कर्युं। હવે 22મા અધ્યાયમાં 22મા દિવસે 22મો અધ્યાય આપની સમક્ષ હું આ સમર્પણ કરું છું। અધ્યાય 22મો વ્રત કરનાર માણસે પાળવાના નિયમો। રાજોવાચ પુરુષોત્તમસ્ય નિયમાન व्रतिनो वद विस्तराद किं भोजियम किं भोजियम वा वरज्या वरज्ये तपोधना। 22મા દિવસે 22મા અધ્યાયમાં રાજાએ પૂછ્યું કે હે તપોધન ઋષિ વાલ્મીકી, પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરનાર માણસે કયા નિયમો પાળવા, શું ખાવું શું ન ખાવું, કયું ત્યજવું તથા કયું ત્યજવું નહીં, એ બધું મને વિસ્તારપૂર્વક કહો। શ્રી નારાયણ કહ્યું કે હે નારદ, એ પ્રમાણે દ્રઢ જનવા રાજાએ પૂજ્ય વાલ્મીકી મુનિને પૂછ્યું ત્યારે તેને બહુ માન આપી મનુષ્યના કલ્યાણ માટે વાલ્મીકી ઋષિ આ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો। વાલ્મીકીજી બોલ્યા, હે રાજન, પુરુષોત્તમ માસમાં પાળવાના જે નિયમો છે તે ટૂંકમાં કહું છું। પુરુષોત્તમ માસમાં નિયમપૂર્વક હવિષ્ય અન્નનું ભોજન કરવું, કે જે અન્ન યજ્ઞમાં હોમી શકાય તે એમાં ઘઉં મગ ઘી ખાંડ વગેરે ચોખા સર્વ દોળા ધાન્યો જવ તલ વટાણા કાંગ નિવાર, નિવાર જે છે તે મરાઠી દેવભાત છે, હિમમોચિકા તે ઉત્તર હિન્દમાં અને બંગાળમાં આ ભાજી થાય છે, તે કડવી છે, તેને હિંગા ભાજી કહે છે। વાસ્તુકમ એ બહુતા હિન્દી મરાઠી માટનું શાક છે। કાલ શાક સમયમાં થવાનું મોસમી શાક, કંદમૂળ કાકડી કેળા સિંધા લૂણ તથા સમુદ્રમાં પાકેલું લૂણ, દહીં ઘી માખણ માખણ નહીં કાઢેલું દૂધ, ફણસ આંબો હરડે પીપર જીરું નાગરમોથ અથવા સૂઠ આંબલી સોપારી લવલી આમળા ગોળ સિવાય શેરડીનો રસ તથા તેલ વગર રાંધેલો પદાર્થ, એ બધાને મુનિઓએ હવિષ્યા અન્ન કહે છે। એ હવિષ્યાનનું ભોજન માણસને ઉપવાસના સરખું કહેલું છે। સર્વ જાતિના આમિષ માંસ મદ ભાતનું પાણી મોટા અડદ રાઈ માદક પદાર્થ
द्विदल धान्य वाल वटाणा चना वगैरे तलनु तेल झेरथी दूषित थयेलु भावथी दूषित थयेलु क्रियाथी दूषित थयेलु तथा वाणीथी दूषित थयेलु अन्न त्यजवु। पारकानु अन्न, पारकानो द्रोह, पारकानु सेवन तथा तीर्थ वगर परदेश जवु ए बधानो त्याग करवो। पुरुषोत्तम मास मा देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रत करनाराओ, स्त्री, राजा तथा मोटा मानसनी निंदा करवी नहीं। प्राणी मात्रना शरीरो मेळवी बनाववामा आवतु चूर्ण, फळमा जामफळ, धान्यमा मसूर तथा अनाजमा वासी अन्न, बकरी, गाय तथा भैंसनू दूध सिवाय बीजू दूध ब्राह्मणे खरीद करेल सर्व रस पदार्थो, भूमिमा थनारू मीठू, तांबाना पात्रमा रहेलू दूध, चामडामा रहेलू पाणी तथा केवल पोताने माटे पकवेलू अन्न ए बधाने विद्वानोए आमिष मास कहेला छे। पुरुषोत्तम मासमा ब्रह्मचर्य पाळवू, पथारीए सूवू, पत्रावळीमा जमवू तथा चौथे प्रहोरे भोजन करवू। रजस्वला अंत्यज मलेच्छ पतित व्रात्य गर्भादानादि संस्कार रहित ब्राह्मण, ब्राह्मणोनो द्वेष करनार तथा वेद विरुद्ध वर्तन करनाराओनी साथे भाषण करवू नहीं। ऊपर कहेला बधाओ देखेलू कागड़ाओए बोलेलू शुतकीनु अन्न बीजी वखत रांधेलू तथा दाजेलू अन्न पुरुषोत्तम मासमा खाऊ नहीं। कांदा, लसण, मोत, मिंदड़ीनी बरी, गाजर, अलवीना पान, मूड़ा तथा सरगवानी शिंगो पुरुषोत्तम मासमा खावी नहीं। ऊपर कहेला सर्व पदार्थों सर्व व्रत करनाराए त्यजवा अने पोतानी शक्ति प्रमाणे विष्णु भगवाननी प्रसन्नता माटे कृच्छ, चांद्रायण वगैरे व्रतों पण करवा। पड़वाना दिवसे कोलू, बीजे दिवसे रींगणा, त्रीजे पुष्प शाक, चौथे मूड़ा, पांचमे बीलू, छठे कालिंगड़ू तरबूच, सातमे सर्व फळोना शाक, आठमे आमला, नवमे नारियेर, दसमे दूधी, अग्यारमे पटोड़ू, बार से बोर, तेरसे काड़ा रींगणा, चौदसे वेलना शाक तथा पूनमे जलमा थनारा शाको त्यजवा। ए बदा शाको प्रतिपदाथी आरंभी क्रम प्रमाणे त्यजवा अने तेज प्रमाणे गृहस्थाश्रमीए दरेक रविवार ने दिवसे आंबड़ा खावा नहीं। पुरुषोत्तम मासमा भगवानना संतोष अर्थे जे माणसे जे वस्तुनो नियम लीधो होय ते वस्तु ब्राह्मण ने आप्या पछी हमेशा खावी। व्रत करनारा माणसे ए नियमो दरेक कार्तिक तथा माघ मासमा पण पाड़वा, कारण के राजा नियम विना व्रत करनारने फळ मळतुं नथी। शक्ति होय तो आखो पुरुषोत्तम मास उपवास थी ज करो अथवा मांगिया वगर केवल घी के दूध पीवु, अथवा व्रत करनाराए गमे ते फळाहार शक्ति प्रमाणे करवो। परंतु जेम व्रत न भागे भांगी जाय तेम व्रत करनारा विचक्षण माणसे वर्तु। व्रतनो आरंभ करवानो होय ते पवित्र दिवसे
प्रात काल में उठी पोतानी बदी नित्यक्रम पतावी भक्ति वड़े हृदय में श्री कृष्ण भगवान स्मरण करी नियम पालवानो संकल्प करवो। हे राजा त्यारे बोलवू हूँ उपवास करीश, रात्रे जमीश अथवा एक टाणू करीश, एवो कोई पण नियम पाड़ी पुरुषोत्तम मासना व्रतनो आरंभ करवो। पुरुषोत्तम मास में भक्ति वड़े श्रीमद भागवतनी कथा सांभळवी, तेनू पुण्य विधाता पण वचनथी कहेवाने शक्तिमान नथी। पुरुषोत्तम मास में लक्ष्य तुलसी दलोथी शालिग्रामनी पूजा करवी, तेनू अनंत गणु फल मळे छे। पुरुषोत्तम मासनी कथा में बताव्या प्रमाणे व्रत करनारा माणस ने जोई सिंह ने जोता जेम हाथीओ नासी जाय तेम यमदूतो पण नासी जाय छे। हे राजन, आ पुरुषोत्तम मासनु व्रत सौ यज्ञों करवा करता पण वधारे फळ आपनारू छे, कारण के यज्ञ करवाथी केवल स्वर्ग मळे छे, पण पुरुषोत्तम मासनु व्रत करवाथी गौलोकनी प्राप्ति थाय छे। पृथ्वी पर जेटला तीर्थों क्षेत्रों तथा देवताओ छे ते बधा जे माणस पुरुषोत्तम मासनु व्रत करे छे तेना शरीर में वसे छे। पुरुषोत्तम मासनु व्रत करवाथी दुःस्वप्न दारिद्रता अने आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रण प्रकारना दुष्कृत्य तड़ी जाय छे। पुरुषोत्तम मासनी सेवामां अडग रहनारा हरिभक्तनु इंद्रादिक देवताओ पुरुषोत्तम भगवानना संतोष माटे विघ्नोथी रक्षण करे छे। पुरुषोत्तम मासना व्रत करनाराओ ज्यां ज्यां वसे छे त्यां त्यां तेमनी सामे भूत प्रेत तथा पिशाच वगैरे उभा रहता नथी। हे राजन, ए प्रमाणे विधिपूर्वक श्री पुरुषोत्तम मासनु व्रत जे माणस करे छे तेनू फल जल्दी कहेवाने हजार मुखवाला शेष नाग पण समर्थ नथी। श्री नारायण कह्युं, जे पुरुषोत्तम परम आदरपूर्वक अनन्य भक्ति वड़े आ पुरुषोत्तम भगवान ने अति प्रिय पुरुषोत्तम मासनु व्रत करे छे ते माणस पुरुषोत्तम भगवाननी अत्यंत वहलो थई साक्षात ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवाननी साथे आनंदथी रमनारो थाय छे। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनवोपाख्येन पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम द्वाविंशतोऽध्याय। कृष्णचंद्र भगवान की जय।